चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात बुलडोजर की कर लेते हैं, जो राजधानी दिल्ली में सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर की चर्चा शाहीन बाग में भी खूब तेज है, लेकिन इस बीच आज एमसीडी को जसोला में अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर पर दिल्ली पुलिस का ब्रेक लग गया। कैसे, आप देखिए। दुकानों से फर्नीचर निकाला जा रहा है, ये फर्नीचर कहीं डिलीवर होने नहीं जा रहा है, ये फर्नीचर दुकान भी कहीं और शिफ्ट नहीं हो रही है। इस दुकान का पता है शाहीन बाग, और इस हलचल के पीछे की वजह है बुलडोजर की आहट। जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलने के बाद अटकलें लग रही हैं कि अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलेगा। एमसीडी ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का ऐलान तो किया, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की। एमसीडी का ऐलान ही इलाके में बुलडोजर का नोटिस नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर दीपक रावत जब शाहीन बाग पहुंचे तो वहां अतिक्रमण के दायरे में आने वाली दुकान खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट रही थी। इस वक्त शाहीन बाग में हम लोग मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, लोग जो सामान है दुकानों के बाहर उसे यहां से हटा रहे हैं। दरअसल एमसीडी लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही है और एमसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। तो सर्वे इन इलाकों का हो चुका है, उसके बाद अब एमसीडी कभी भी कार्रवाई कर सकती है। और इस कार्रवाई के डर से जो तमाम जो दुकानदार हैं जिनके दुकानों के बाहर ये सामान है, फर्नीचर का सामान है, उस सामान को अब ये लोग खुद ही हटा रहे हैं। इनका कहना है कि से पहले की कोई कार्रवाई हो, उससे पहले ये यहां से अपना सामान हटाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सीएए के विरोध में प्रदर्शन की पहचान बने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी 100 दिनों से ज्यादा तक डटे रहे, लेकिन अब जब अतिक्रमण तोड़ने के लिए बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है तो लोग खुद ही अलर्ट मोड में हैं। शाहीन बाग में एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई की तारीख नहीं बताई, लेकिन सरिता विहार के जसोला गांव में आज एमसीडी ने बुलडोजर की कार्रवाई का ऐलान किया था, मगर ये कार्रवाई फिलहाल टल गई है। वो कार्रवाई जो आज होनी थी वो नो फोर्स की वजह से, क्योंकि पूरी फोर्स चाहिए उसके लिए, हमें उस फोर्स की कमी की वजह से हमने ये कार्रवाई टली है। दोनों तरह के एक्शन लिए जाएंगे, बुलडोजर भी चलेंगे जहाँ पे बुलडोजर की जरूरत है, जहाँ पे कमेटी की जरूरत है वहाँ कमेटी भी उठाई जाएगी। दरअसल अतिक्रमण के साथ एमसीडी को पुलिस बल की भी जरूरत थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फोर्स देने से मना कर दिया और लिखित जवाब में बताया कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 10 दिन पहले जानकारी देनी जरूरी होती है ताकि पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जा सके। जिस बस्ती को कल दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुरयान अवैध बता रहे थे, वहीं हमारे संवाददाता बिलाल अहमद पहुंचे। सरकार कह रही है कि झुग्गी को हटाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, बुलडोजर से गिराएंगे। अब जो भी भाई करेगा वो तो गवर्नमेंट कर सकती है, हम तो नहीं, हम तो पुराने हैं यहाँ जिए के। बच्चे यहीं पैदा हुआ, हमारा तो 20 साल हो गया, यही देखो कितना बड़ा बच्चा हो गया, अब 11 साल है। इतना पुरानी झुग्गी है, जब से एक खेत भी नहीं था, अम्मा के थे, उसके बाद हमारा थे, मीटर फीटर सब लगा हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, सब चीज बना हुआ हमारा, इतना पुराना झुग्गी। सारा मीटर वगैरह सब बिजली कहाँ से आती है, दिल्ली सरकार की तरफ से? हाँ, बिल आता है, पहले आता थे 250-500। बीजेपी शासित एमसीडी बुलडोजर के मुद्दे पर एक्शन में है, तो आप बीजेपी को बुलडोजर के सदुपयोग की सलाह दे रही है? भ्रष्टाचार की जगह अगर काम किया होता तो ये कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता, और कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता तो जो अभी प्राइमरी जो रिपोर्ट मिल रही है कि जिस तरह से वहाँ पर मीथेन गैस से आग लग रही है, इसकी नौबत ही नहीं आती। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में बुलडोजर का शोर थम जाएगा, लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी बुलडोजर को सियासी हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।